अगर मैं आप सबसे पूछूं ना कि बताओ फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है आपका, तो आप में से 90% बच्चे जवाब देंगे सर बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री। बढ़िया है सर, और फिर केमिस्ट्री में स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो मेरा तगड़ा है सर, और बायोलॉजी तो सुपर है सर, लेकिन सिलेक्शन तो 4% बच्चों का होता है, सच बात है ये। वो 4% कौन से होंगे जिनका बायोलॉजी के साथ फिजिक्स भी अच्छा होगा बायोलॉजी के साथ फिजिक्स भी अच्छा होगा, समझ रहे हो? तो जरूरी है, इसको पढ़ना जरूरी है, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, ये मुझे लाइन थोड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने लिख दिया यहां पे, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो मत होने दो, मंजिल नहीं मिल रही तो मत मिलने दो, सपने पूरे नहीं हो रहे मत होने दो, मंजिल नहीं मिल रही मत मिलने दो, आपका हौसला और इरादा कोई आपसे नहीं छीन सकता, एक दिन यह आपको और भी बेहतर मंजिल तक पहुंचाएगा। कई बार इंसान ना 10 दिन मेहनत करता है, कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं सर मैं 10 दिन से खूब पढ़ रहा हूं मेरे नंबर नहीं आ रहे। अरे नहीं आएगा सर, मैं 10 दिन से खूब कोशिश कर रहा हूं सर फिजिक्स समझ नहीं आ रहा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर 10 दिन मेहनत करने से किसी को फिजिक्स समझ आ जाती तो आज सदियों से यह नहीं कहा जाता कि बायोलॉजी वाले बच्चों का फिजिक्स कमजोर होता है। 15 दिन अगर फिजिक्स पे 5-5 घंटा 8-8 घंटा मेहनत करके किसी को 100% फिजिक्स समझ आ जाता तो ये नहीं कहा जाता कि फिजिक्स से सिलेक्शन रुक जाता है। किसी को 1 महीने फिजिक्स पढ़ के अगर फिजिक्स समझ आ जाता तो ये नहीं कहा जाता कि बायोलॉजी वाले बच्चों का एवरेज मार्क्स नीट में 40 होता है। हां नीट में फिजिक्स का एवरेज मार्क्स जो होता है ना 30-40 होता है, 30 नंबर से 40 नंबर तक 90% बच्चे नहीं पढ़ जाते हैं, साल भर पढ़ के 40% नंबर नहीं आते बच्चों के, 40 नंबर नहीं आते बच्चों के, 20-25% नंबर नहीं आते बच्चों के, इतना आसान होता है। हिम्मत रखो भाई, इतना ही आसान होता तो सब डॉक्टर बन जाते ना, सब कोई कर लेता ना। हिम्मत रखो, मेहनत करो और लगातार करो, नहीं मिलेगा रिजल्ट। मैंने कई बार आपको समझाया है कि रिजल्ट 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 और आपके मेहनत टाइम जो आप मेहनत पे स्पेंड लगा रहे हो उसके बीच का ग्राफ ऐसा बनता है, लगेगा कि सब मेरा मेहनत बेकार जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। अचानक से जब मिलना शुरू होगा ना तुम्हें लगेगा कि अच्छा मेरे नंबर है क्या, चल मुझे इतना समझ आता है क्या। हाँ टाइम लगता है बेटा, समझ में आया कि नहीं यार, टाइम लगता है इस केस में। तो आप हिम्मत रखिए, हौसला बहुत जल्दी अपना खोने मत दीजिए। रिजल्ट नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, कम से कम 4 महीने ढंग से पढ़ो तो सही। पहले रिजल्ट इतनी आसानी से थोड़ी ना मिल जाता है,